नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग एलर्जी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, ड्रग एलर्जी टेस्ट क्या होता है? आपको किसी दवा से एलर्जी है तो इसकी पुष्टि करने के लिए ड्रग एलर्जी टेस्ट किया जाता है। एलर्जिक प्रतिक्रिया किसी भी दवा के कारण हो सकती है, जिसमें कि मेडिकल स्टोर से मिलने वाली सभी दवाएं शामिल है। यदि आप किसी भी दवा के प्रति एलर्जिक हैं तो आपका शरीर इस ड्रग को हानिकारक पदार्थ यानी कि बैक्टीरिया या वायरस समझकर इसके प्रति IgE एंटीबॉडीज नामक एक विशेष इम्यून प्रोटीन बनाने लग जाता है। और ऐसा संभव है कि इसे पहली बार लेने पर कोई गंभीर प्रभाव न दिखे, लेकिन दोबारा लेने पर शरीर में पहले से मौजूद IgE एंटीबॉडी सूजन व जलन पैदा करने वाले जो रसायन होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हिस्टामाइन, उनको उत्तेजित करते हैं और हिस्टामाइन उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप एलर्जिक लक्षण दिखाई दे सकते हैं। IgE मीडिएटेड प्रक्रिया के अलावा ड्रग एलर्जिक रिएक्शन अन्य तरह से भी हो सकता है और इससे होने वाला रिएक्शन भी अलग होता है। दवा लेने के 24 से 72 घंटों बाद एलर्जिक प्रतिक्रिया या हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। ड्रग एलर्जी टेस्ट में मुख्य रूप से स्किन टेस्ट, स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज टेस्ट और एक प्रोवोकेशन टेस्ट शामिल है। स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडी टेस्ट तब ही किया जाता है जब स्किन टेस्ट के परिणाम सामान्य आते हैं और यह टेस्ट लगभग सभी दवाओं के लिए किया जा सकता है। हालांकि अधिकतर मामलों में इसका प्रयोग कुछ दवाओं से होने वाली एलर्जी की जाँच करता है, जैसे कि एमोक्सिसिलियोल, एम्पिसिलियोल, केफेक्लोर, क्लोरेक्सिडिन, मोरफिन, कीमोपेपेन, जिलेटिन बोविन, इंसुलिन बोविन, इंसुलिन ह्यूमन, इंसुलिन पोर्सिन, सक्सिनिलकोलिन एंड पेनिसिलियोल जी, पेनिसिलियोल वी एंड फोलकोडिन। प्रोवोकेशन टेस्ट को ड्रग चैलेंज टेस्ट भी कहा जाता है। यह एक नियंत्रित स्टेप वाइज प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में नियमित रूप से चरणों के अनुसार कोई विशेष दवा दी जाती है ताकि इसका पता लगाया जा सके कि व्यक्ति दवा के प्रति एलर्जिक है। दोस्तों, बात करते हैं कि ड्रग एलर्जी टेस्ट किस लिए किया जाता है। तो यदि आपके शरीर में किसी दवा की एलर्जिक प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर आपको ड्रग एलर्जी टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि त्वचा पर चकत्ते होना, त्वचा पर खुजली होना, आंखों में पानी आना, खुजली होना, पित्ती यानी कि लाल या लाल खुजली वाले दाने, नाक बंद होना, बुखार, मुँह और गले में सूजन, सांस फूलना, घरघराहट और नाक बहना। तो ये लक्षण दवा से संपर्क होने के दिनों, घंटों या हफ्तों बाद दिखाई दे सकते हैं। गंभीर मामलों में ड्रग एलर्जी से एनाफाइलेक्सिस नामक स्थिति भी पैदा हो सकती है और यह एक जीवन घातक स्थिति है, जिनमें कि कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि श्वसन मार्गों व गले में घुटन महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ, पेट में ऐंठन, चक्कर आना, दौरे पड़ना, त्वचा नीली पड़ना, बेहोशी, उल्टी या दस्त, नब्ज तेज या धीमी होना, ब्लड प्रेशर गिर जाना। प्रोवोकेशन टेस्ट एक जैसी दवाओं के क्रॉस रिएक्टिविटी प्रभावों को अलग करने में भी मदद करता है। तो बात करते हैं कि ड्रग एलर्जी टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो स्किन टेस्ट करने से पहले डॉक्टर आपसे परिवार, आपके पिछले स्वास्थ्य और पहले किसी भी दवा से हुई एलर्जिक प्रतिक्रियाओं और जो भी दवा आप ले रहे हैं उनके बारे में पूछेंगे। यदि आप गर्भवती हैं या आप हाल ही में यूवी किरणों के संपर्क में आए हैं, उदाहरण के तौर पर यदि आप हाल ही में समुद्र के किनारे थे, तो टेस्ट से पहले डॉक्टर को बता दें। दवाएं जैसे कि एंटीहिस्टामाइन एंड बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि एमाइट्रिप्टिलिन वगैरह टेस्ट से पहले ना लें। टेस्ट के दौरान व्यक्ति को बुखार, त्वचा में कहीं इन्फेक्शन या सूजन नहीं होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि ड्रग एलर्जी टेस्ट कैसे किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले तो होता है स्किन प्रिक टेस्ट। किसी भी दवा के प्रति हुई एलर्जी की जांच करने के लिए स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट को करने के कुछ तरीके होते हैं। डॉक्टर या नर्स आपकी बांह पर दवा की कुछ बूंदें डालेंगे और उस बूंद के अंदर से डॉक्टर लेंसेट या सुई की मदद से त्वचा में छेद कर देंगे और ऐसा करने से त्वचा दवा का कुछ हिस्सा सोख लेगी। त्वचा पर बचे बाकी के सॉल्यूशन को कपड़े से पोंछ दिया जाएगा और यदि कई सारी दवाओं की जांच करनी है तो त्वचा पर टेस्टिंग ग्रिड रखा जाएगा। ड्रग के घोल को प्रत्येक ग्रिड के केंद्र में डाला जाएगा और बाकी की प्रक्रिया समान होती है। यदि दवा तुरंत रिएक्शन करती है तो टेस्ट का रिजल्ट आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और यदि प्रतिक्रिया देर से होती है तो उसका परिणाम आने में 24 से 72 घंटों तक का समय लग सकता है। दूसरा है दोस्तों इंट्राडर्मल टेस्टिंग। तो यदि स्किन प्रिक टेस्ट के परिणाम नेगेटिव आते हैं तो यह टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट आमतौर पर प्रिक टेस्ट के 15 से 20 मिनट बाद किया जाता है और इस टेस्ट को करने के लिए डॉक्टर आपकी बांह में ड्रग के पतले घोल को इंजेक्शन की मदद से डालेंगे। यदि कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती है तो दवा के घोल की शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है। हालांकि सिर्फ इतना ही शक्तिशाली घोल लगाया जाता है जितना सुरक्षित हो। तुरंत हुई प्रतिक्रिया के परिणाम 15 से 20 मिनट में और देर से हुई प्रतिक्रिया के परिणाम 48 से 72 घंटों में आ जाएंगे। उसके बाद है स्किन पैच टेस्ट। तो स्किन पैच टेस्ट करने के लिए डॉक्टर आपकी कमर के ऊपरी हिस्से पर एक विशेष दवा वाला पैच लगाएंगे। आमतौर पर यह पैच कमर की मध्य रेखा के आसपास 2 से 4 सेंटीमीटर के अंदर लगाया जाता है और इसके परिणाम आमतौर पर 2 से 4 दिनों में आ जाते हैं। हालांकि दवा के आधार पर डॉक्टर परिणामों को 20 मिनट से 7 दिन में बता सकते हैं।
उसके बाद है स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडी टेस्ट। तो इस टेस्ट को करने के लिए डॉक्टर आपकी बांह की नस में सुई लगाएंगे और सुई लगी जगह पर हल्का सा नील पड़ सकता है जो कि कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। इसके बाद किसी भी विशेष दवा के विरोध में बने आईजी एंटीबॉडीज की जांच करने के लिए सैंपल को लैब में ले जाया जाता है। और उसके बाद है प्रोवोकेशन टेस्ट। तो प्रोवोकेशन टेस्ट कुछ तरीके से किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर टेस्ट से पहले आपके ब्लड प्रेशर, नर्व्स, श्वसन प्रवाह और ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच करेंगे। इसके बाद आपको दवा के प्रति होने वाली एलर्जिक प्रतिक्रिया के लिए ड्रग की कुछ मात्रा दी जाएगी। एलर्जिक प्रतिक्रिया यहाँ पर बताए गए मानकों के अनुसार बदलती है और दवा विभिन्न तरीकों से मरीज को दी जा सकती है, जैसे कि त्वचा में, ब्रोंकियल ट्यूब में और खाने की दवाओं के रूप में। यदि कोई भी एलर्जिक प्रतिक्रिया नहीं है तो आधे घंटे बाद दवा की खुराक को देरी से बढ़ा दिया जाएगा और यह खुराक तब तक बढ़ाई जाएगी जब तक कि यह पर्याप्त मात्रा में शरीर में न पहुंच जाए। और अब बात करते हैं इसके परिणामों की कि इसके परिणाम क्या बताते हैं। तो अगर हम बात करें सामान्य परिणाम की, उसमें स्क्रीन टेस्ट की बात करें तो स्क्रीन टेस्ट के नेगेटिव परिणामों को सामान्य स्थिति माना जाता है और ऐसा तब होता है जब त्वचा पर किसी भी प्रकार की एलर्जिक प्रतिक्रिया नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति में एलर्जी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं लेकिन स्क्रीन टेस्ट के परिणाम नेगेटिव आए हैं तो डॉक्टर आईजीई टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडी टेस्ट की तो उसके नेगेटिव परिणामों को सामान्य माना जाता है। बात करें प्रोवोकेशन टेस्ट की तो इसके लिए भी नेगेटिव परिणामों को सामान्य माना जाता है और ऐसा तब होता है जब दवा देने के बाद किसी भी तरह की एलर्जिक प्रतिक्रिया नहीं हुई होती। अगर हम बात करें असामान्य परिणाम की और उसमें बात करें स्क्रीन टेस्ट की तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट को असामान्य माना जाता है और ऐसा तब होता है जब ड्रग पैच के आसपास की त्वचा में लालिमा यानी कि एरिथेमा या छोटे छाले जिसे हम बोलते हैं पेप्यूल वो दिखाई देते हैं। स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडी टेस्ट की बात करें तो स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडीज की उपस्थिति को असामान्य परिणाम माना जाता है और इसे कुछ तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि कम पॉजिटिव है तो 0.35 से 0.7 KU पर L और अधिक पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 100 KU पर L। और अगर हम बात करें प्रोवोकेशन टेस्ट की तो प्रोवोकेशन टेस्ट के पॉजिटिव परिणाम को असामान्य माना जाता है और ऐसा तब होता है जब दवा देने के बाद एलर्जिक प्रतिक्रिया के लक्षण जैसे कि त्वचा पर चकत्ते, गड़गड़ाहट, गले में सूजन या लो ब्लड प्रेशर दिखाई देते हैं। पॉजिटिव परिणाम का मतलब है कि व्यक्ति किसी विशेष दवा के प्रति एलर्जिक है और भविष्य में उसे दवा नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।